हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरा लिटिल बॉय जो मुझे बहुत परेशान करता है। तो आज की वीडियो आप टैग देख के, टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैंने पर्पल से कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाए हैं और उनका रिव्यू करने वाली हूँ मैं। तो मैंने पहले से ही फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई कर रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी और उससे सामने ही आपको रिव्यू दे दिया जाए। तो मैंने तीन प्रोडक्ट मंगाए हैं, जिसमें से एक फेस सीरम है, एक स्किन मास्क है, सॉरी फेस मास्क है, और एक नाइट फेस मास्क है। चलो देखते हैं ये कैसे प्रोडक्ट है और इनका क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट पे मुझे मिला है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये रोज़ हिप का, गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस मास्क है, स्किन ग्लो में फेस मास्क है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना प्यार दें, कमेंट करें, लाइक करें, और किसी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो पर्पल से। इसमें क्लेम किया गया है कि इसके अंदर नो पैराबेंस है और नो सॉरी मिनरल्स ऑयल है, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी डेट 2 ईयर की है, ये 240 MRP है, 50 ग्राम का है, और आप इसे फेस क्लीन फेस पे वॉश करके अच्छे से फेस को फेस वॉश से, फिर उसके बाद अप्लाई, एक थिन लेयर मैंने अप्लाई कर रखा अपने फेस में, मुझे आई थिंक 10 मिनट हो गए हैं। तो मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ कैसा इफ़ेक्ट आया मेरे फेस पे। इसने क्लेम तो किया है स्किन ग्लो फेस मास्क है, ग्लोइंग करता है स्किन को। तो इसको 15 to 20 मिनट रखने के लिए बोला गया है, तो मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं। चलो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है, फिर बाकी के जो दो प्रोडक्ट हैं उनका भी रिव्यू करेंगे। तो फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और टॉवल से टैप टैप करके सुखा रही हूँ। ये देखिए आप, तो मुझे इसका रिजल्ट तो अच्छा लगा और इसकी जो कलर है, फ्रेग्रेंस है, जैसे रोज़ रोज़ ही लिखा है, तो रोज़ की तो है ही स्मेल इसके अंदर। और ये पिंकिश सा है, मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा पीच पिंक ऐसा है, न्यूट सा कलर है इसका, प्यारा सा। फ्रेगनेंस भी अच्छी है, कुछ ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं है जो सर पे चढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल माइल्ड सा फ्रेगनेंस है, बहुत मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली। आप ट्राई कर सकते हैं, ये पर्पल से मैंने मंगाया था। इसके साथ मैंने मंगाया था एक ये विटामिन सी ग्लो स्लीपिंग मास्क, तो ये मैंने कल नाइट में यूज़ करके देखा था। ये प्रोडक्ट मुझे कल ही मिले हैं, तो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसमें भी नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल्स का क्लेम किया गया है। इसकी एक्सपायरी भी 2 साल की है और इसकी MRP है 309 रुपये, और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम। तो इसको भी रात को आप फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करने के बाद आप एक थिन लेयर अपने फेस पे अप्लाई करें और पूरी नाइट आप छोड़ दें ऐसे, और मॉर्निंग में वॉश कर लें। तो ये भी ठीक था, और वाइट 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 मतलब ट्रांसपेरेंट सी कंसिस्टेंसी, सॉरी ट्रांसपेरेंट सा है इसका, ये ऐसे तो ठीक लग रहा है लेकिन हाथ में लेने पर बिल्कुल वाटरी है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है स्किन पर लगने बाद, कुछ पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ लगाया है स्किन पे। ये भी बहुत अच्छा है, और इस ये भी मैंने पर्पल से ही मंगाया था सेम। और इसकी डिलीवरी मुझे मैंने 8 तारीख नाइट में 12 बजे के बाद इसे किया था, ये मुझे कल यानी 10 तारीख को मिल गया है। थर्ड वन है ये, मैंने मंगाया है फेस सीरम, स्किन टाइटनिंग फेस सीरम, पता नहीं क्यों मंगाया टाइटनिंग, अब तो मैं यंग हूँ। ग्रैप शीट वाला है ये, और इसकी MRP है 210, और इसकी एक्सपायरी भी 2 साल की है। तो और ये इस तरह के बॉटल में आता है, इसके साथ एक ये नोज़ल है, तो मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर रखा है, तो मेरा फेस सीरम स्किन पे अप्लाई कर दिया है, एकदम से ग्लो आ गया है फेस पे अप्लाई करके इसे। थोड़ा ऑयली तो है, हल्का सा बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। ये देखिए
आप लोगों को भी ग्लो दिख रहा होगा फेस पे। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसकी MRP मैंने 210 बताई थी आपको, और 2 अप्लाई 2 to 3 ड्रॉप्स लिखा हुआ है इसके अंदर। फेस वॉश के बाद आप इसे फेस सीरम को अप्लाई कर सकते हैं फिंगर टिप के मदद से, और इसे नो सल्फेट, नो सिंथेटिक परफ्यूम, नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल टेस्टिंग वगैरह इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी गुड वाइब्स का है। तो ये तीन प्रोडक्ट हैं जो मैंने गुड वाइब्स से मंगाए हैं, ये तीनों हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। रेंज भी बहुत नॉर्मल सी है, सभी अंडर 200 मिल गए हैं मुझको ऑफर में। और इसके साथ मुझे NYB का ये प्राइमर का छोटा सा पाउच, जैसे शैम्पू का पाउच होता है ना, शायद उससे भी छोटा ये प्राइमर का टेस्टर मिला है। तो ये इसको मैं कभी और ट्राई करके बताऊंगी कि इसका कैसा है रिजल्ट प्राइमर का। और इसके साथ मुझे एक लिपस्टिक मिलने वाली थी जो मुझे 12 यानी कल के लिए डिलीवरी डेट बता रखी है, देखते हैं वो कब आती है, और वो भी बताऊंगी मैं वो कैसा है। वो पर्पल की लिपस्टिक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलेगा मेरे चैनल को। और मेरा बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, ये देखिए, ही इज़ द वन। ओके, थैंक यू, बाय।